हे हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप अपने आरजीबी एलईडी स्ट्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हो गूगल असिस्टेंट या फिर गूगल होम के थ्रू। यहाँ मैं जिस आरजीबी एलईडी स्ट्रिप्स को यूज़ कर रहा हूँ ये मार्केट में रेडिली अवेलेबल होती है। 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 25 वोल्ट की आप कोई भी स्ट्रिप ले सकते हो आरजीबी एलईडी की। और यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ ESP32 TIP 1-2 MOSFET यूज़ कर रहा हूँ। तो कनेक्शन और सर्किट डायग्राम हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक क्विक डेमो देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। सो ये रहा मेरा फ़ोन और इसमें गूगल असिस्टेंट सपोर्टेड है। अगर इन केस आपके पास गूगल होम है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्विक डेमो देता हूँ। हे गूगल, चेंज लाइट टू ब्लू। So, आपने देखा जैसे ही मैंने इसे ब्लू चेंज करने को बोला तो ये ब्लू चेंज हो गई। अब मैं इसे रेड चेंज करता हूँ। हे गूगल, टर्न लाइट टू रेड। ओके, चेंजिंग लाइट टू रेड। सो आप देख सकते हो इस तरीके से आप अपने घर के लाइटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर कंपोनेंट की बात करें तो आपको TIP 1-2 ट्रांजिस्टर चाहिए। सो आप TIP 120 या फिर 122 कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास TIP 122 है सो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आपको 10K की रजिस्टर्स चाहिए। सो ये मेरे पास 10K की रजिस्टर्स है। सो आपको 3 पीसेज ऑफ रजिस्टर्स चाहिए। और यहाँ देख सकते हो मैंने सेटअप किया हुआ है। सो ये रहा जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है हमारे पास RGB LED स्ट्रिप। और यहाँ मैंने कनेक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। सो आपको स्क्रीन पे भी कनेक्शन दिख रही होगी। सो बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। ये देख सकते हो ये ग्राउंड है। ग्राउंड को मैंने कॉमन किया हुआ है और यही जो सप्लाई है जो एलईडी स्ट्रिप के लिए सप्लाई जा रही है उसके ग्राउंड से कॉमन है ये। उसके बाद यहाँ देख सकते हो आप 10K रजिस्टर लगाया हुआ है। फिर उसके बाद पिन नंबर 25, 26, 27 कनेक्टेड है इस ट्रांजिस्टर से। सो आप सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सर्किट बना लेना। सिंस मेरे पास अभी वेरो बोर्ड नहीं था शोल्डर करने के लिए इसीलिए मैंने इसे ब्रेडबोर्ड पे बनाया हुआ है। और आगे मैं अभी एक सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें मैं इसकी PCB डिज़ाइनिंग इजी EDA पे करके आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा सर्किट के बारे में। अब चलते हैं एडाफ्रूट और IFTTT के संग इसको इंटीग्रेट करने पे। सो मैंने इस प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है 3 स्टेप्स में। जो पहला हमारा स्टेप है वो है एडाफ्रूट MQTT लाइब्रेरी को इंक्लूड करना हमारे आर्डुइनो IDE में। दूसरा स्टेप है एडाफ्रूट IO में जाके हमें MQTT से रिलेटेड फीड क्रिएट करना होगा। और जो तीसरा स्टेप है वो है IFTTT में जाके गूगल असिस्टेंट की एप्लेट को क्रिएट करना और उसे हम फर्दर हुक करेंगे अपने एडाफ्रूट के फीड के संग, जो कि फर्दर जाके हमारे ESP32 में हमारे LED स्ट्रिप्स के कलर को चेंज करेगा। सो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था गूगल असिस्टेंट होम ऑटोमेशन पे। सो आप इसे फॉलो कर सकते हो क्योंकि 90% ऑफ द स्टेप्स जो है वो कॉमन होने वाली है। सो अब चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल में और सर्च करते हैं एडाफ्रूट MQTT लाइब्रेरी। और आपको जो पहली लिंक है GitHub की उसे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ इस डाउनलोड zip पे क्लिक करना है। सो ऑलरेडी मैंने zip को जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। सो अब मैं चलता हूँ Arduino IDE में। यहाँ आपको स्केच में आना है। स्केच में आपको यहाँ इंक्लूड लाइब्रेरी में एड zip लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। फिर आपको अपने डाउनलोड्स में आना है, ठीक है। सो चलिए मैं डाउनलोड्स में आ जाता हूँ। सो देखिए मैंने ये Adafruit MQTT की zip जो डाउनलोड की सही से सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। आप देख सकते हो लाइब्रेरी एडेड टू योर लाइब्रेरीज। सो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम जो हमारा दूसरा स्टेप है उस पर आते हैं। तो आपको io.adafruit.com पे आना है और उसके बाद इसमें साइन इन करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप साइन इन कर लेना या फिर आपको साइन अप करना होगा। सो मैं यहाँ साइन इन कर लेता हूँ और यहाँ आके आपको यहाँ एक्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। और मैं इसे नाम देने वाला हूँ माई RGB स्ट्रिप, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हो। तो माई AI कंट्रोल्ड लाइट्स,
ठीक है, अब क्रिएट पे क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हो हमारे डैशबोर्ड में माई आरजीबी स्ट्रिप ऐड हो गई। अब इसे क्लिक करना है आपको, और जो आपको यहाँ बटन मिल रही है ऐड बटन, उस पर क्लिक करना है। और सिंस मैं अभी एक टॉगल स्विच ऐड करने वाला, तो टॉगल पे क्लिक करते हैं। और इसे मुझे नाम देना होगा, तो मैं इसे नेम कर देता हूँ रेड। क्लिक करते हैं क्रिएट पे। वैसे ही मैं और एक फीड बनाने वाला हूँ ग्रीन। इसे भी करते हैं क्रिएट। फिर जो दूसरा है वो है ब्लू। इसे भी करते हैं क्रिएट। सो जितनी भी हमारी फीड है वो क्रिएट हो चुकी है। सो सबसे पहले चलिए मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। अब इसकी जो टाइटल मैं करने वाला हूँ वो भी मैं आरजीबी ब्लू करते हैं, और ऑन टेक्स्ट ये वही रहने देते हैं, ऑफ टेक्स्ट। सो इसे करते हैं वन, इसे करते हैं जीरो, और करते हैं क्रिएट ब्लॉक पे। सो एक जो हमारा ब्लॉक है वो क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे ही करके अब मुझे और भी ब्लॉक्स बनाने होंगे। सो मैं वापस पे चलता हूँ अब ग्रीन पे। तो हमारी जो तीनों ब्लॉक्स है वो जनरेट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये टॉगल स्विचेस है जैसा कि आप देख रहे हो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है IFTTT में जाना। सो IFTTT के रिलेटेड मैंने प्रीवियस पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हो। अब मैं इसमें साइन इन करने वाला हूँ। अब कंटिन्यू विथ मैं गूगल करता हूँ। सो रोबोशो, ये जो मेल आईडी है आपको सेम रखना है जिससे आपने एडाफ्रूट में अकाउंट बनाया होगा। सो आपको यहाँ क्लिक करना है। सो बेसिकली ये आपके अकाउंट का आइकन है, और आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद इफ प्लस साइन में आपको क्लिक करना है, और यहाँ सर्च करना है गूगल असिस्टेंट। इस पर क्लिक करते हैं, से अ सिंपल फ्रेज पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको टाइप करना है फ्रेजेस। सो मैं टाइप कर देता हूँ, फिर करते हैं क्रिएट ट्रिगर पे। सो हमारा इफ का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब देन में हमें यहाँ प्लस पे वापस क्लिक करना है, और यहाँ सर्च करना है एडाफ्रूट। सो ऑलरेडी एडाफ्रूट यहाँ आ रहा है, एडाफ्रूट पे क्लिक करना है। सेंड डेटा टू एडाफ्रूट आईओ पे क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ जो फीड नेम है हमारा ऑलरेडी रेड ग्रीन और ब्लू आ चुका है। सो मैं रेड पे क्लिक करता हूँ, और डेटा टू सेव इसे वन करते हैं, और इसे क्रिएट करते हैं। सो जो हमारा एक एप्लेट है वो पूरा फुल कंप्लीट हो चुका है। सो अगर मैं कहता हूँ टर्न ऑन लाइट टू रेड, सो ये जो डेटा सेंड करेगा रेड फीड को, यानी जो हमारे एडाफ्रूट में जो ये फीड है इसे जो सेंड करेगा वो वन सेंड करेगा, और ये टर्न ऑन हो जाएगा, और ये फर्दर हमारे ESP32 को ट्रिगर करेगा, ठीक है। सो ये हमारा अभी सॉरी सो ये हमारा अभी एक कंप्लीट हो चुका है। तो इसे फिर फिनिश पे क्लिक करते हैं। सो अगर मैं यहाँ फिर वापस एप्लेट्स पे आता हूँ, सो आप देख सकते हो हमारे जो तीनों एप्लेट है वो क्रिएट हो चुका है। सो ये रेड
अगर मैं बोलता हूँ टर्न ऑन लाइट टू रेड, सो ये रेड पे क्लिक होगा, ये ब्लू पे होगा और ये फिर ग्रीन पे होगा। सो हमारी जितनी भी चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई। अब मैं आता हूँ कोड पे। सो दोस्तों यहाँ मैं आ चुका हूँ आर्डिनो के आईडीई में, और सबसे पहले अगर आप देख रहे हो सो यहाँ देख सकते हो मैंने पिन को इनिशियलाइज किया हुआ है। सो जो पिन नंबर 25, 26 और 27 है, इससे हमारी जो मॉसफेट है TIP-122 से जो आउटपुट आ रही है वो कनेक्टेड है। और उसके बाद SSID जो है और ये जो पासवर्ड है उसका, उसको आपको चेंज करना है, तो आपके जो नेटवर्क के अकॉर्डिंग होगा उसे आपको चेंज करना है। और यहाँ एडाफ्रूट की सर्वर नेम और पोर्ट को आपको चेंज नहीं करना है। यूजर नेम और जो की है वो आपके लिए यूनिक होगी आपके प्रोजेक्ट के लिए। सो उसे आपको io.adafruit इसमें आना है, adafruit.io में आना है। और अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ आपको एक की आइकन मिल रही है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो सो करने के बाद आप देख सकते हो आपके पास ये एक की है और एक यूजर नेम है। तो सेम मैंने वही यहाँ यूज किया हुआ है, यूजर नेम मेरा रोबोशल और वही की यूज की हुई है। और अगर आप नीचे आते हो तो देखो यहाँ आपको फीड चेंज करना है। सो मैंने रेड, ग्रीन और ब्लू किया हुआ है। सो ये किसके अकॉर्डिंग है? अगर मैं आता हूँ, इसे क्लोज करते हैं। सो अगर मैं यहाँ आपको फीड दिखाऊं, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ जो फीड है हमारी ब्लू, ग्रीन, रेड, ये कोड में भी हम लोगों ने सेम यूज किया हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू। सो आपको, सो ये बेसिकली MQTT सब्सक्राइब जो है, सब्सक्राइबर वो हम बना रहे हैं। और ये जिसको सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है, मैंने उसको असाइन किया हुआ है RGB रेड, RGB ग्रीन और RGB ब्लू से। और आप देख सकते हो कि MQTT डॉट सब्सक्राइब जो है, जो टॉपिक है सब्सक्राइब कर रहा है वो यही है, ठीक है, तो RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो जब भी अगर ये वैल्यूज चेंज होती है उस फीड पे, जब भी वैल्यू चेंज होती है तो वो इसके इस लूप के अंदर आती है, ठीक है। और अगर ये सब्सक्रिप्शन में रीड होती है, लेट से ये वन आता है तो ये करेक्ट हुआ, इसके अंदर जाता है गॉट, फिर वन, ठीक है। तो उसके बाद ये फर्दर, अगर आप ये जो देख रहे हो यही है जो हमारे RGB LED को कंट्रोल कर रहा है। सो यहाँ मैंने जो हमारे रेड पे मॉस्फेट कनेक्टेड है उसे मतलब हाई या लो कर रहा हूँ मैं अकॉर्डिंगली। अगर वो जी वन हम सेंड करते हैं, यानी हम अपने गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं तो वो वन सेंड होता है। सो वो वन यहाँ असाइन होता है, ये इस पिन को हाई करता है और दोनों पिन को लो करते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे पास RGB LED होती है ये वही है। उसके बाद सेम चीज मैंने ग्रीन के संग भी किया हुआ है, और मैं इसे भी अगर हाई कर रहा हूँ, ठीक है, और रेड और ब्लू के लो कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ फिर ब्लू को हाई कर रहे हैं और उसे लो कर रहे हैं। सो ये रहा कोड, सिंपल सा कोड है। आपको छोटे छोटे एडिट्स करने हैं तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ एडिट्स कहाँ करने हैं। तो सबसे पहली जो एडिट करनी है वो आपको SSID और पासवर्ड चेंज करनी है। दूसरा है आपको ये चेंज करना है, ठीक है, और इफ इन केस अगर आप अपने फीड नेम अलग रखते हो तो उस फीड नेम को आपको यहाँ रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है मैंने जो असाइन की हुई है सेम उसी तरीके से रहेंगे, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये रही कोड की बात। अब आपको मेक श्योर करना है कि आपने ESP डेव बोर्ड या फिर आपका जो भी ESP32 की बोर्ड है वो सिलेक्टेड हो। अब इस कोड को, सॉरी, सो अब इस कोड को कर देते हैं अपलोड। हे गूगल, चेंज लाइट टू ब्लू। ओके, चेंजिंग लाइट टू